नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100, में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में आबकारी विभाग का विशेष अभियान, अवैध शराब के खिलाफ हो रही कार्यवाही, पुलिस ने 10 मामलों में किया केस दर्ज। अमृत महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस पर कार्यक्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखा सक्रिय, सोंडवा में निकाली भव्य शोभा यात्रा। इंदौर व भोपाल में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, बीजेपी नेताओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। इन दिनों धार जिले में आबकारी विभाग विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। हाल ही में धार जिले के वृत्त सरदारपुर में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने कार्यवाही की है। यहां सरदारपुर के कई गांवों में पुलिस ने दबिश देकर 700 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया है और सैंपल लेकर मौके पर ही नष्ट किया है। इसके साथ ही 130 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की है। बता दें, इस कार्यवाही में पुलिस ने 10 मामलों में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। शनिवार को सोंडवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस मौके पर अभाविप मालवा प्रांत के संगठन मंत्री नीलेश सोलंकी ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश स्वाधीनता के 75 वर्ष में प्रवेश होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव पर देश के नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस घोषित कर जनजातीय समाज के शहीद वीरों को सम्मान दिया है। साथ ही जनजाति गौरव दिवस घोषित कर बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आज पूरे देश का समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और समाज के लोग मौजूद थे। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि इंदौर सहित भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। अब इसी फैसले को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्वागत योग्य बताया है। मिश्रा ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके चलते कानून व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। ऐसे में उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज को धन्यवाद भी दिया है। और भोपाल आबादी बढ़ रही है, लेकिन स्वच्छता बढ़ रही है, संभावनाएं बढ़ रही हैं, एकता बढ़ रही है, और इन शहरों में कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के इन दो महानगरों में हम कमिश्नर प्रणाली लागू करें। आज इन दोनों शहरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। मैं गृहमंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। उनको धन्यवाद के साथ ही इंदौर की जनता और भोपाल की जनता, ये प्रयोग के बतौर में इन जगह पर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए जो नया समीकरण है, आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र के क्राइम हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अन्य क्षेत्रों के सभी जगह पर एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था का राज हो, ऐसा किया, इसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी को बधाई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो बड़े शहर इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली सिस्टम करने से बेहतर चल रही कानून व्यवस्था को और ताकत मिलेगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने से कानून व्यवस्था बेहतर होगी। इसके लिए शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी सरकार को बधाई दी है।
प्रशासन व्यवस्था में बहुत चाक चौबंद और जिसको मैं कहूँ कि एक बेहतर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे दो बड़े शहर इंदौर और भोपाल के अंदर कमिश्नर प्रणाली लागू करने से जो बेहतर चल रही कानून व्यवस्था है उसको और ताकत देने के लिए और अच्छा बनाने के जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं कि इसके माध्यम से कमिश्नर प्रणाली जो लागू की है उसके माध्यम से अच्छी कानून व्यवस्था बनेगी जो पहले से बेहतर चल रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को और हमारी सरकार को इस बात के लिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।